से देख लो क्राउड कितना ज्यादा है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। क्लॉक टावर की घंटी ये देख लो भाई, ये देखो भाई। तो हेलो जी, कैसे सारे, उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों आज है 16 अगस्त, कल था 15 अगस्त, और कल जो है मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था बख्शी स्टेडियम में जो है कितनी ज़्यादा भीड़ थी 15 अगस्त की, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो उस व्लॉग पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दर्शाया, मतलब अभी के टाइम पे जो है 1,06,000 व्यूज़ है उस पर, तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद मैंने बोला था आपको कि हम जा रहे SKICC, तो हम वहाँ भी गए थे, मतलब गवर्नर सर से एक मीटिंग थी, तो मतलब गवर्नर सर से मिलने तो मिले हम, तो काफी सही लगा। तो उसके बाद से जो है हम आए फिर वापस रूम पे, तो काफी लेट हो गया था। मैंने सोचा था कि फिर दिखाऊंगा नाइट के टाइम पे लाल चौक कैसे दिखता है, शाम के टाइम इतना ज्यादा रश था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं लेट हो गया था मतलब, और हिम्मत भी नहीं थी उतनी यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने नाइट के टाइम पे जो है आज लाल चौक कैसा दिखता है, क्योंकि अब जो है लाल चौक कंप्लीट हो गया है, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था तो वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लाल चौक जो है नाइट के टाइम कैसा दिखता है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रूम से, तो काफी लेट हो गया है यार, तो अभी अंधेरा पूरा हो गया है, तो अभी मैं लाल चौक पहुंच के आप लोग को दिखाता हूँ कि क्या बढ़िया सीन्स हो गया वहाँ। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो फिलहाल मैं फटाफट चलता हूँ लाल चौक के लिए। तो ये देख लो दोस्तों, सामने देखो लाइट्स, ये है गुरुद्वारा, सामने जो लाइट्स ऑन है ये देख लो सामने। तो दोस्तों ऑरेंज पल्पी जो है मैंने पी, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये हाथ में रखा हुआ है क्योंकि मुझे डस्टबिन नहीं मिल रहा है कहीं यार, तो डस्टबिन में डालना बहुत जरूरी है यार, अपने कश्मीर को जो है साफ रखना है। या मिल गया सामने, ये आ गया जी डस्टबिन, तो इसमें डाल देते हैं, हो गया जी। ये देख लो दोस्तों अभी के सीन्स, और सामने जो है LCD देख लो। 13 अगस्त तक ये नहीं बना था, तो 15 अगस्त के लिए जो है 2-3 दिन में बना दिया था ये देख सकते हैं आप, 15 अगस्त के लिए जो है एकदम से चमका दिया था। वही देख लो भाई, ये देख लो भाई सामने, जिस LCD की मैं बात कर रहा था कुछ सिनेमा जैसा फील आ रहा है यार सामने, ये देख लो। तो यहाँ से भी देख लो भाई, और इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से देख लो भाई, और सामने क्लॉक टावर जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो देख लो जो लोग कितने ज़्यादा है, ये देख लो भाई, यहाँ से भी टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, ये देख लो भाई। क्लॉक टावर की घंटी ये देख लो भाई, ये देखो भाई घंटी बज गई, क्या बात है। तो यार दोस्तों लोग देखो कितने ज़्यादा है, मतलब मैं जो है कल नहीं आया था क्योंकि कल मैं बिजी था जैसे मैंने आप लोग को बताया, तो मेरे को थोड़ा सा कुछ गिल्ट था कि भाई मैं गया नहीं यार, तो लेकिन आज इतना क्राउड देख के मेरे को जो है हो रहा है कि भाई ठीक है यार, मतलब आज भी सेम ही माहौल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये देख लो कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ से, अपने भाई परू भाई और अपने भाई जुबैर भाई, ड्रीमर व्लॉग है, सही बोला मैंने, ड्रीमर व्लॉग। तो तीसरे भाई जो है सादत भाई, वो कहीं बिजी है आज, वो गायब है आज। तो फिलहाल यार यहाँ से काफी जबरदस्त सीन्स है, ये देख लो भाई यार काफी बढ़िया लग रहा है, ये देखो नीचे बहुत जबरदस्त एकदम फैंसी लुक है भाई। लाइट्स अभी यहाँ से ऑन नहीं है, लेकिन क्लॉक टावर की जो है लाइट्स ऑन है, और तिरंगा देख लीजिए क्या सही लहरा रहा है, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों अभी क्लोजअप लुक देख लीजिए क्लॉक टावर का, और यार तिरंगा क्या सही लहरा रहा है, वो देखो टॉप पे, बहुत जबरदस्त यार। कल जो है इसकी जो है ट्राई कलर लाइट्स थी, जैसे अपना इंडियन फ्लैग है जैसे आप टॉप पे देख रहे हैं, तो उसी तरह की 3 लाइट्स है। मैं आपको फोटो डाल दूंगा, मैं आपको आ जाएगा साइन की कैसा था, वैसे आप लोगों ने तो देखा ही होगा, बट फिर भी जिन्हें नहीं देखा उनको तो आ जाएगा समझ की कल कैसे सीन थे यहाँ पे। तो यार लोग देख लो कितने ज़्यादा है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा,
तो यार बहुत खुशी होती है यार इतने लोग देख के, क्या परू भाई? भाई खुशी तो होती है ना, अपने कश्मीर में इतना क्राउड है कि नहीं? पहले से ज्यादा हो गया, पहले कितना कम होता था? बहुत बहुत कम। अचानक तो, से एकदम जब स्मार्ट सिटी जब से बनी है ना, क्राउड बहुत बढ़ गया। क्या जुबैर भाई, अभी इतने लोग होते हैं तो खुशी होती है यार, है ना? वही है ना, ये मार्केट में वो बन गया ना एक हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी बढ़िया है यार। बाकी ये देख लो मार्केट, यहाँ से भाई मार्केट भी एकदम सजी हुई है, मतलब पूरे लाल चौक को चार चांद लगा दिए। ये देख लो भाई सामने से, बहुत मस्त। तो ये है वो फाउंटेन जहाँ पे जो है कल लोगों ने डांस किया था, और ये जो है टाइल्स जो है क्रैक हो गई थी, तो आज जो है इसको ये देख लीजिए फेंसिंग की हुई है ताकि कोई अंदर नहीं जाए ना, इसलिए। तो ये है सामने लाल चौक लिखा हुआ, तो काफी सही है। जो भी आता है तो मतलब ध्यान से, मतलब ये डांस करने वाली चीज नहीं है, और मतलब वो जो सामने आप देख रहे हैं लाल चौक, तो इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फोटोज लिया तो हो गया सही। बाकी हमें चाहिए कि ध्यान रखें इन चीजों का, सही है। जो है घंटाघर के बिल्कुल सामने, और यहाँ से देख लो क्राउड कितना ज्यादा है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। ये देख लो, यहाँ से देख लो भाई कितने लोग हैं यार, वो बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है, सारे लोग फोटोज ले रहे हैं, बहुत मस्त। और यहाँ से देख लो क्या मस्त सीन्स है, जबरदस्त। तो दोस्तों जब पोलो व्यू जो है, जब पोलो व्यू की नई नई जो है इनॉग्रेशन हुई थी, नई मार्केट जब खुली थी, तो उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे होते थे। उसके बाद रिवर फ्रंट पे तो अभी सेम यहाँ भी वही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। क्या पर भाई आपने देखा था जब पोलो व्यू है ना, बहुत ज़्यादा, और रिवर फ्रंट वाली साइड से तो अभी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ भी तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ज़्यादा ही है, हाँ यहाँ यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ पे असल में एरिया काफी बड़ा है ना, तो दिख दूर से दिख जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ बहुत लोग घूर रहे हैं कि भाई सही है, तो सही है, ठीक है, चलता है, कोई नहीं। वो देखो बिल्ली, भाई ने भाई ने, हाय देखो से पैसे जितने जितने पैसे, देख लो भाई, ओ तोड़ के बाहर आ गई, जबरदस्त सो गई भाई। ये देख लो दोस्तों, वैसे दोस्तों ये चीज मैंने नोटिस नहीं की थी, ये देखो अभी और थोड़ा सा काम पेंडिंग है, लेकिन अभी 15 अगस्त के जश्न में जो है इसको इग्नोर ही कर दिया, तो अभी मुझे लगता है एक दो दिन बाद जो है और शुरू होगा ये काम, जो कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है। यहाँ से देख लो ये, बाकी यहाँ से तो हो ही गया है, ये देख लो। तो भाई लोग अभी हम जा रहे अपने रूम के लिए, क्योंकि अभी काफी अंधेरा हो गया, काफी लेट भी हो गया, तो जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि अच्छे बच्चे जल्दी वापस जाते हैं। क्या भाई पर हुआ है? वो तो बात सही है, अच्छे बच्चे घर में जल्दी, तो बस अभी हम पहुंचेंगे रूम पे और फिर बाकी बातें हम वहीं करते हैं। तो अभी परू भाई मुझे घर आ गया था, और अभी जो है हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो सोचा कि यार आप लोग को दिखा देते हैं कि आज जो है नाइट के टाइम लाल चौक में जो है कितने ज्यादा लोग होते हैं, कितनी भीड़ होती है, और कितना सही दिखता है। तो काफी बढ़िया था, मजा आ गया देख के, क्योंकि 15 अगस्त के दिन भी सेम उतने ही लोग थे, और कल जो है थोड़े से कम थे, लेकिन अच्छा खासा क्राउड था जैसे आप लोगों ने देखा। तो भाई आज है 17 अगस्त, और भाई आज हम जा रहे हैं देखने गदर 2, तो कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई है, तो हम जा रहे हैं शिवपुरा सिनेमा जो आईनॉक्स है वहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने पठान भी वहाँ देखी, तो काफ़ी ज़बरदस्त सिनेमा है। तो देखते हैं आज की ज़रा गदर 2 कैसी है, क्या है, क्योंकि गदर जो है पहले देखी हुई है बहुत पहले, तो अभी तक तो भूल भी गई है, लेकिन याद है कि हुआ क्या गया था। तो देखते हैं ज़रा क्या गदर 2 का क्या सीन है, कैसा रहता है, उसका रिव्यू व्लॉग भी बनाएंगे अब आज, तो देखते कि ज़रा कैसा सीन रहता है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ सीधे आईनॉक्स, अभी टाइम आ रहा है 2:15 और 3:05 पे शायद शो है, तो उसके बाद मतलब 6:30 बजे तक है, तो देखते कि ज़रा किस तरह का रहता है और कितना मज़ा आता है। तो बढ़िया है, फिलहाल हम इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और हम करते हैं अपना दूसरा वाला व्लॉग स्टार्ट, गदर मूवी का रिव्यू। तो अगर आपको किसी भी रीज़न से व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर से करेगा। मैं मिलता हूँ किसी बढ़िया से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।